तो राम राम भाई हो तो तीन फ्रेंड आप लोग कैसे हो। तीन गाइस आपको हम बताएंगे किस तरह फोटो एडिट किया जाता है। तो आपको पिनसेंट ऐप ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको इसमें आके अपना बैकग्राउंड डाउनलोड कर लेना है। जो भी आपको बैकग्राउंड अच्छा लगा वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं तो पहले ही से ही डाउनलोड करके रखा हूँ। तो चलिए चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देन गाइस ये रहा फोटो। तो देन गाइस आपको सेंड वाले भी ऑप्शन पर जाएंगे और कुछ नहीं करना है, आपको फोटो रूम के अंदर चला जाना है। तो फ्रेंड आ जाने के बाद क्या करेंगे, अपना डाटा ऑन रखना है। जितना डाटा ऑन रखेंगे उतना ही फास्ट होगा। तो डाटा ऑन रखना है, हो जाने के देन गाइस बाद क्या करेंगे, तो यहाँ पे तीसरा नंबर पर ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद बैकग्राउंड पर क्लिक कर देना है। बैकग्राउंड पर क्लिक करके इमेज पर क्लिक करना है। उसके बाद अपन जो बैकग्राउंड है उसको सिलेक्ट कर लेना है। कर लेने के बाद देखिए अपने हिसाब से हो गए हैं। तो आप छोटा या बड़ा करके जितना जूम करके बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, इसमें भी सेट कर सकते हैं। तो हम जितना कर लेते हैं अपने हिसाब से मेंटेन। तो देखिए हो जाने के बाद आपको वहाँ शेयर वाला ऑप्शन पर जाएंगे और सेव टू गैलरी पर कर देना है क्लिक। हो जाने के बाद देन गाइस फिर से क्या करेंगे, आपको यहाँ पे सेंड वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपको जाना है कहाँ पे, स्नैपसीट के अंदर। आ जाने के बाद आपको टूल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। HDR1 पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसका साइज़ थोड़ा सा घटा देंगे, ज़्यादा नहीं रखना है। इसको थोड़ा सा हल्का सा माइनस करेंगे, इसको प्लस रखेंगे, थोड़ा सा प्लस रखेंगे, 31 प्लस। सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद फिर गाइस फिर से टूल्स वाला ऑप्शन पर जाएंगे। जाने के बाद HDR1 पर क्लिक करेंगे। इसको माइनस पूरा रखेंगे, इसको प्लस थोड़ा सा रखेंगे, प्लस रखेंगे 100 प्लस। इसको थोड़ा सा घटाएंगे, माइनस करेंगे। तो इतना रख लेने के बाद यहाँ ऊपर वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके व्यू एडिट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिएगा इस आफ्टर बिफोर कुछ नहीं करना है, जूम करके अपने कपड़े पे चला लाना है। जो कपड़ा का लाइट है वो दिखने में अच्छा लगे, क्वालिटी अच्छा लगे कपड़ा का। तो कपड़ा पे क्वालिटी डाल लेते हैं। जितना ही कपड़ा पर क्वालिटी देंगे फेस पे उतना ही बेस्ट होगा। तो मैं फटाफटा कर लिया हूँ। हो जाने के बाद कुछ नहीं कर रहे हैं, बैक आएंगे। उसके बाद आपको क्या करेंगे देखिए, आफ्टर बिफोर तो आपको सेव कर लेना है गैलरी के अंदर। गैलरी के अंदर सेव करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है। फिर से क्या करेंगे, इसको रेमनी मारेंगे। रेमनी वाले रेमनी ऐप ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो वेट करने के बाद इस पर सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इरेंज पर क्लिक करेंगे, फर्चा रहेगा, थोड़ा सा वेट कर लेना है। तो देखिएगा इस हो गया है। तो आफ्टर बिफोर मज़ा नहीं आ रहा है। तो क्या करेंगे, सिंपल सा मैं कई बार बताया हूँ। तो यहाँ पे कलर वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, वेट कर लेना है, परचार आएगा। तो मैं परचार को हटा दिया हूँ। फिर से इस पर क्लिक करके देखिएगा इस अपने आप हो गया। देखिए बस फेस को लिया है, बैकग्राउंड तस के तस है। इसको बाद हम क्या करेंगे, गैलरी के अंदर सेव कर लेंगे। तो सेव कर लेते हैं गैलरी के अंदर। हो जाने के बाद देन गाइस फिर से क्या करेंगे, आपको इस स्केच बुक के अंदर आ जाना है। आ जाने के बाद जो फोटो है उसको ले लेते हैं। तो यहाँ पर आप फोटो तो हम सिलेक्ट कर लेते हैं। कर लेने के बाद कुछ नहीं करना है, देन गाइस कुछ नहीं करना है। आपको यहाँ पेंसिल वाला आइकन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे हेयर वाला पे आ जाना है। अपना सेटिंग रख लेना है, स्क्रीन शॉट मार के रख लेना। तो क्या करेंगे, हल्का हल्का चलाएंगे इसके हेयर के ऊपर, हल्का हल्का सा मारेंगे। जो दिखने में फोटो का है, जो क्वालिटी दिखने में अच्छा लगे, हेयर भी अच्छा लगे, तो हल्का हल्का मारेंगे। तो अपने हिसाब से आप मार लेना जितना मारना चाहते हैं। तो देखिए फ्रेंड कितना
इजीली कितना वेस्ट हो रहा है, तो जूम करके थोड़ा सा मार लेते हैं। तो देन गाइस बिना देर किए हुए लंबा वीडियो चला जाएगा, तो मैं फटाफट मार लेता हूँ, तो ज़्यादा वीडियो लंबा चला जाएगा, तो इसीलिए मैं फटाफट कर लेता हूँ। आप लोग देखे होंगे तो इसलिए फटाफट कर लिया हूँ। देन फ्रेंड हो जाने के बाद क्या करेंगे, फिर से हल्का सा थोड़ा यहाँ पे मार देंगे। हो जाने के बाद देखिएगा इस कितना इजली वेस्ट लग रहा है। तो फिर से क्या करेंगे, आपको पेंसिल वाला आइकन पे जाना है। जाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और ब्लू ब्रश अपना सेलेक्ट करने, ये वाला मुझको अच्छा लगता है। आपको इतना सेटिंग रख लेना है, और रख लेने के बाद क्या करेंगे, अपने फेस पर अप्लाई करेंगे। तो हम फेस पे अप्लाई कर लेते हैं फटाफट से। देखिए कितना वेस्ट इजली स्मूथ हो रहा है। तो बिना देर किए हुए क्या करते हैं, देन गाइस फटाफट कर लेते हैं। तो अब तक लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपका भाई ऐसा ऐसा वीडियो ले आता रहेगा। तो आप लोग एंड तक ज़रूर बने रहें। तो मैं फटाफट कर लेता हूँ बिना देर किए हुए। देन गाइस सो जाने के बाद देखिए कितना कितना फेस्ट लग रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, फिर से आपको इसको क्या करना है, गैलरी के अंदर सेव कर लेना है। तो चलिए हम गैलरी के अंदर सेव कर लेते हैं। सेव कर लेने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, सेव हो जाने के बाद स्नैपशीट के अंदर आ जाना है। जो फोटो है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, टूल्स वाले ऑप्शन पे जाएंगे। जाने के बाद यहाँ ब्रश पर सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे आपने देखा होगा, तो मैं कर लेता हूँ, हल्का सा मार लेता हूँ जो देखने में फ़ोटो का अच्छा लगे। तो मैं ओट पे मार लिया हूँ। हो जाने के बाद फिर से टूल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे करेंगे क्लिक, और क्या करेंगे, थोड़ा सा लाइट दे देते हैं जो फ़ोटो का क्वालिटी है देखने में अच्छा लगे। तो मैं फटाफट, देखिए गाइस कितना वेस्ट लग रहा है अब। तो क्या करेंगे, फिर से टूल्स वाले पे जाएंगे, डिटेल वाले पे जाएंगे। डिटेल पे जाने के बाद इसको थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, इससे ज़्यादा क्या होता है। देन गाइस HDR इससे फ़ोटो होता है। तो देखिए गाइस कितना वेस्ट लग रहा है। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं, अभी थोड़ा सा और करेंगे। आपको क्या कर रहे हैं, फिर से इसको सेव कर लेते हैं अपने गैलरी के अंदर। तो गैलरी के अंदर हम सेव कर लिए हैं। उसके बाद क्या करेंगे, लाइट रूम के अंदर आ जाना है। एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद लाइट पर क्लिक करेंगे। ऑप्शन पर क्लिक कर देने के बाद कंट्रास्ट को थोड़ा सा प्लस रखेंगे, अपने हिसाब से रख लेना है जितना रखना चाहते हैं। हेडलाइट को थोड़ा सा प्लस रखेंगे, सेट डाउन को थोड़ा सा प्लस रखेंगे, इसके बाद वाइट को थोड़ा सा माइनस रखेंगे, ब्लैश को थोड़ा सा प्लस रखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, कलर्स वर्ड पर जाएंगे, मिक्स पर जाएंगे, इस पर क्लिक करके थोड़ा सा अपना चेहरा को जो लाइट दे देंगे, इससे बस चेहरा का लाइट आता है। ये वाला ऑप्शन है, ये वाला नीचे वाला है, जो ये दोनों फेस का है। तो देखिएगा इस फेस का क्वालिटी थोड़ा चेंज हो गया है, दोनों ऑप्शन दिख रहा है, ये दोनों फेस का है। तो इसको थोड़ा सा जितना आप लाइट रखना चाहते हो उतना रख सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा कर लेंगे, ये दोनों वाला फेस का है। तो अपना जो बैकग्राउंड देखिए थोड़ा सा चेंज होता है, तो चेंज कर लेते हैं। तो हल्का फुल्का चेंज हो रहा है, तो हल्का फुल्का मार लेते हैं इस वाला। फिर इस पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा देखिए चेंज हो रहा है कि नहीं, तो नहीं हो रहा है, इस पर भी नहीं हो रहा है, तो छोड़ देंगे। देखिए गाइस कितना वेस्ट लग रहा है। तो आपको फिर से क्या करेंगे, यहाँ पे ब्लर वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इसको बढ़ा देना है 90%। थोड़ा सा वेट कर लेना है, पर अपना डाटा ऑन रखना है। तो डाटा ऑन रखना है, वर्किंग करने लगेगा, रिफ्रेश होने लगेगा, आपके सामने रिजल्ट ओके आएगा। देखिए गाइस देखिए ब्लर हो गया कितना वेस्ट। तो आप भी लाइटरूम के अंदर ब्लर कर सकते हैं।
तो हो जाने के बाद फिर से क्या करेंगे, इफेक्ट पाएंगे थोड़ा सा बढ़ा देंगे। 3 लाख लगने के बाद देखिएगा इस कितना बेस्ट लगे। इसको लाइट देना चाहते हैं तो फिर से क्या करेंगे, कलर वाला ऑप्शन पाएंगे, मिक्स पर जाएंगे, ये वाला दूसरे नंबर पर क्लिक करेंगे, उसको थोड़ा सा इसको माइनस रखेंगे, इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे। तो देखिए इजीली कितना बेस्ट लगने लगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, जय हिंद। ऐसा ही प्यार देते रहिए।